हेलो, दिस इज प्रियंका। शाम में इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे थे। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस से हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन, या कोई चीज हम पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, इंग्लिश में बात करें, या फिर क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, हिंदी में सेंटेंस या तो आपका क्या शब्द से स्टार्ट होगा, या जो क्वेश्चन वर्ड होंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे आपको, वो सेंटेंस के बीच में आएंगे। जैसे प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे क्या है, क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं ना, क्यों, वाय, कब, वेन, कहाँ, वेयर, कौन, हु, कैसे, हाउ, इसको WH फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH फैमिली। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या। अब देखिए, हमने सीधा सा सिंपल सा एक सेंटेंस पढ़ा था, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। वह पढ़ता है, हमने इसमें क्या देखा, ये सिंगुलर है तो हमने इसको क्या बना दिया, ही। फिर रीड्स, ये बन जाएगा सिंपल सा। लेकिन अगर हमें ये किसी से क्वेश्चन पूछते तो हम कैसे पूछते, क्या हुआ, पढ़ता है, यही तो पूछेंगे। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, क्या वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर ये क्या शब्द से स्टार्ट हुआ, तो ऐसे शब्द को हम इस रूल के अनुसार बनाते हैं। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले डू या डज आता है, क्लियर। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें। फिर क्या आएगा, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा जो भी कुछ हो, अदर वर्ड्स हो, वो आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी रहता है। क्या वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा, डज ही रीड। अब दो जगह तो ऐसे ऐसे लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर डज ही रीड आ गया। अब देखिए यहीं पर क्या होता है, इधर यहीं पर प्लूरल होता है, क्या होता, प्लूरल होता, तो क्या करते, तो हम इसको बना, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये प्लूरल है, तो कैसे कर देंगे, डू यू गो टू स्कूल। देखिए हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर, और हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, कब जाते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए इसमें स्टार्टिंग में क्या आया, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में क्या नहीं आया, इसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में आया हुआ। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, इस टाइप के अगर बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आया तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक, जिसको हम डब्ल्यू एच वर्ड को हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, प्लस फिर डू या डज आएगा, जैसे भी चाहे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगी मैन वर्ब, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका कुछ भी वर्ड हो वो, फिर ये। अब देखिए तुम स्कूल कब जाते, तो किसकी क्या बनेगी, वैन यू, When do you go to school? Clear? देखिए, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका कैसे बन जाएगा, देखिए कहाँ के लिए क्या आएगा, where do you live? क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अगर ये निगेटिव भी हो, कैसा हो, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस
प्लस निगेटिव भी हो, कैसा हो, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव भी हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे वह क्या नहीं पढ़ता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे क्या नहीं बीच में आया तो क्या हो जाएगा, व्हाट ही, एक सेकेंड, व्हाट डज ही नॉट रीड, कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ नॉट आ गया, क्लियर। अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, व्हाट, अगर हम डज के बाद नॉट लगाएंगे तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, डज नॉट नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डजंट, व्हाट डजंट ही रीड, क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, वे क्यों नहीं बाजार जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा क्या आया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो क्यों और नहीं भी है, तो हम क्या करेंगे, वाई, फिर सब्जेक्ट को देखेंगे, बे है, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, डू, वाई डू दे, ठीक। अब नहीं भी आया तो क्या कर देंगे, नॉट गो टू मार्केट, क्लियर। अब देखिए, अगर इसको दूसरे तरीके से अगर हम बनाना चाहें, कैसे बना सकते हो, वाई, अब देखिए डू नॉट को हम डोंट लिख देंगे तो अब तो यहाँ लिख सकते हो, वाई डोंट दे गो टू मार्केट, क्लियर। अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें, Why do not they go to market? तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर do not यहाँ पर आएगा तो वो short form don't में ही आएगा, ना कि do not में आएगा। Okay? I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।